नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाला है कि किस तरह से जेट इंजन्स को स्टार्ट किया जाता है। तो जेट इंजन्स को मेनली दो तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। आपका पहला हो गया इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू और दूसरा हो गया एयर स्टार्टर मोटर के थ्रू। और यहाँ पे भी जो आपका एयर स्टार्टर मोटर है वो दो तरह से रन किया जा सकता है। आपका पहला जाता है APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट, और जो आपका दूसरा मेथड है जो कि ऑक्सिलरी ग्राउंड पावर यूनिट से स्टार्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य मेथड्स हैं किसी भी जेट इंजन को स्टार्ट करने के लिए। और जो भी IAF के जेट थे उनको लेके ये की पॉइंट रखा गया था कि ये जो स्टार्टर होने चाहिए इन इंजन्स में वो इसको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे इंजन को स्टार्ट कर सके। क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे जो आपका एयरक्राफ्ट होता है वो कूल सोक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक लंबी सॉर्टी के बाद अगर कोई एयरक्राफ्ट हायर ऑल्टीट्यूड पे लैंड करता है और उस एयरक्राफ्ट को बाहर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तकरीबन 22 से लेकर 40 घंटे के अराउंड, और उसके बाद जब उसको स्टार्ट किया जाए तो वो किस तरह से परफॉर्म करता है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। स्पेशली जो हमारे एयरफील्ड से हायर ऑल्टीट्यूड पे या फिर रिमोटली एरिया में, तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी क्रूशियल हो जाती है। क्योंकि जब सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, चाहे इंजन और पंप में दिया गया लुब्रिकेशन सिस्टम हो या फिर एयरक्राफ्ट का फ्यूल हो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा पूछेंगे कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल जो होता है वो हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएगा एयरक्राफ्ट तो भी फ्यूल कोल्ड होता होगा, तो ऐसा केस नहीं होता है। क्योंकि जब भी आपका एयरक्राफ्ट एक हायर ऑल्टीट्यूड पे जाता है तो उसके जो भी सिस्टम्स हैं फ्यूल के साथ साथ उन सब का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल यूनिट और बाकी के जो अदर HE होते हैं हीट एक्सचेंजर, उनके थ्रू मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर। तो ये भी एक फैक्टर था कि MMRCA-1 में दो ही ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो कि कोल्ड सोक होने के बाद भी, यानी कि 22 से 40 घंटे छोड़ने के बाद भी स्टार्ट होने में सक्षम हो गए थे, और वो था राफेल और यूरोफाइटर टाइफून। अब दोबारा लौट के आते हैं कि इंजन का स्टार्ट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमने बता दिया प्राइमरली आपके दो मेथड हो गए, एक आपका होगा ऑक्सिलरी पावर यूनिट और दूसरा आपका हो जाता है जेट इंजन फ्यूल स्टार्टर, जिसको ग्राउंड से पावर देके या फिर ग्राउंड से एयर देके रन कराया जाता है। तो ये आपका हो गया JFS। बात करते हो APU की, यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट की, तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट में क्या होता है कि एक जनरेटर छोटी से टरबाइन को घुमाता है यानी कि स्टार्ट करता है, और उसके बाद वो छोटा सा टरबाइन जिसका अपना ही हाइड्रोलिक फ्यूल होता है वो एयर भी जनरेट करता है, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है आपके अलग अलग HE में यानी कि हीट एक्सचेंजर में। और इसी आपके टरबाइन से एक गियर असेंबली लगी होती है जो कि प्लेनेटरी फॉर्म में कनेक्ट होकर आपके इंजन को घुमाती है, और वो तब तक घुमाता है जब तक आपके इंजन को सही कंप्रेशन रेशियो न मिल जाए। तो ये दो मेथड है मुख्यतः जेट इंजन को स्टार्ट करने की। बात कर लेते हैं तेजस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तेजस के जो मुख्यतः LSP वेरिएंट है उनमें आपका APU सिस्टम नहीं है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी आपके बाद में आए हैं IOC वाले तेजस, जैसे कि 14-15, शायद इनमें APU लगा दिया गया है, और जो भी FOC वाले तेजस होंगे उनमें APU लग के आएगा, तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और अभी फिलहाल तेजस में जो JFS लगा है यानी कि जेट फ्यूल स्टार्टर, उसको HL नहीं बनाया है, और तेजस में LPU नहीं है। इस चीज को मैंने क्रॉस चेक किया था तेजस के ऊपर रिलीज किए गए ब्रोशर से, जहां पे आप देखोगे कि जो आपके ECS होते हैं यानी कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, और ये सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं कि आपके केबिन में क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या प्रेशर चाहिए, किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, किस तरह के जो आपके इक्विपमेंट है उनका टेम्परेचर होना चाहिए अगर वो हायर ऑल्टीट्यूड पे जाता है तो। क्योंकि अगर वो हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएगा तो वहाँ पे जाते वक्त टेम्परेचर गिरता है हर 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री के अराउंड। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए टेम्परेचर मेंटेन करना होता है बाकी के अंदर जो भी इक्विपमेंट है उन सभी का। तो उन सभी के लिए अलग अलग जो आपके हीट एक्सचेंजर हैं वो लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका ECS है यानी कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, उसका जो इंटेक है उसके लिए जो एयर है वो यहाँ से ड्रॉ की जाती है, यहाँ पे 41 लिखा है आपका, तो वहाँ से ड्रॉ करके आप ECS में भेज देते हो। तो यहाँ पे आपकी होती है रैम एयर। तो रैम एयर क्या हो गया, तो रैम एयर वो एयर होती है कि जब आप हायर स्पीड पर जा रहे हो और जब हवा किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उस हवा का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, तो उसे आप रैम एयर बोल देते हो। तो यहाँ पे उस एयर को आपके ECS में भेज दिया गया है, और ECS में जब वो जाएगा तो ECS की जो रिक्वायरमेंट है जिस प्रेशर की टेम्परेचर की या फिर आपके जो भी इक्विपमेंट हीटअप हो रहे हैं, तो उन सभी से ये हीट एक्सचेंज करके एग्जिट कर जाता है जहाँ पे 47 लिखा है वहां से, और कुछ इसी प्रकार के एयर विड्रॉ की जाती है आपके जेट इंजन के कंप्रेसर से, और ये अमूमन होता है जो आपका 6th और 7th स्टेज है वहाँ से विड्रॉ किया जाता है ब्लीड एयर के रूप में, और उन्हें भी अलग अलग जो हीट एक्सचेंजर है वहाँ भेज दिया जाता है, जिसके लिए आपको जो ये एग्जॉस्ट है वो दिख रहे होंगे दिए गए हैं। तो इसको लेकर किसी ने ऐसा पूछा था कि तेजस में क्या APU है, तो अभी फिलहाल जो तेजस हैं, जो IOC लेवल के तेजस हैं, उनमें तो APU नहीं है, लेकिन शायद ये सिस्टम FOC वाले तेजस के लिए प्लान किया गया है। वैसे कोई इसका होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां तक अनुमान है तेजस में LPU की जगह EPU दिया गया है यानी कि इमरजेंसी पावर यूनिट, जैसा कि आपका F-16 में है। तो इस तरह के पावर यूनिट एक लिमिटेड टाइम के लिए रन कर सकते हैं और अमूमन हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और आपके EPU बेसिकली क्या करते हैं, मान लो आपका जेट इंजन बंद हो गया तो उस केस में जो भी आपके हाइड्रोलिक पंप होते हैं वहां पे जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो उस केस में जो आपके EPU होते हैं इमरजेंसी पावर यूनिट, वो अपने आप को कुछ देर के लिए रन करा के हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके उस हाइड्रोलिक पंप के प्रेशर को मेंटेन कर देते हैं।
ताकि आप जेट इंजन को रिस्टार्ट कर सको। और अगर वहाँ पे APU होता तो APU आपको जो भी आपके डिवाइस हैं पूरे एयरक्राफ्ट में उन सभी को अकेले पावर देने में सक्षम होता और एक अनलिमिटेड टाइम के लिए देने में सक्षम होता, जो कि आपके EPU नहीं कर पाते हैं। EPU एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। और यहाँ पे EPU की एक और लिमिटेशन है कि जब आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता है 10 किलोमीटर के ऊपर तो वहाँ पे जो आपके EPU होते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो तेजस के FOC हैं उन सभी में ऐसा प्लान है कि हो सकता है APU लग के आए। तो होपफुली APU के लेके जो भी क्वेरी थी वो मैंने क्लियर कर दी हो, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे कवर करना था कि तेजस के जो भी पार्ट्स हैं उनको कवर करूं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके इसको कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।